नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें यूट्यूब करना चाहिए या फिर ब्लॉगिंग करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपको सारी जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूँ, यूट्यूब के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, कौन किस में ज़्यादा पैसा है, यूट्यूब में या फिर ब्लॉगिंग में, ये भी सारे चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखिएगा, बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है, और मेरे खुद की यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल किया हुआ इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यूट्यूब की बात करते हैं। अब यूट्यूब में क्या होता है, इसकी सबसे पहले पॉलिसी बता देता हूँ मोनेटाइजेशन की। यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए आपके सभी वीडियोस के। उसके बाद ये जो सारे वीडियोस है, यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशंस से मैच करने होने चाहिए, यानी कि उनके जो पॉलिसीज़ है उनके उनको यानी कि उनको फॉलो करने वाले होने चाहिए, तभी जाके आपका यहाँ पर मोनेटाइज होगा। और सबसे बड़ी यूट्यूब की बात यह है कि यहाँ पर क्या होता है, YouTube में आपको सब कुछ फ्री मिल जाता है। यहाँ पे आप अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद वीडियोस बना सकते हैं अपने फ़ोन से और अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी आपका यानी कि लगभग फ्री में आप कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है किसी चीज़ के लिए, बिल्कुल फ्री में आप काम कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर वीडियो डालने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए पैसा देना नहीं होता है। तो ये यूट्यूब की काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ YouTube पे यदि आपका चैनल चलने लगता है, तो फिर क्या होता है, जैसे कि आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो चैनल क्या होता है, ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली उस पर व्यूज़ आते हैं, और आपका कंटेंट अच्छा रहा तो डेफिनेटली आप काफ़ी बड़े मुकाम तक यहाँ पे पहुँच जाते हो। तो YouTube का ये होता है, लेकिन ये जो मैंने बातें अभी बताई इतना सिंपल नहीं होता है। कोई कोई जो बंदे होते हैं उनके साथ ये होता है, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे बंदे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, बहुत समय तक स्ट्रगल करते रहते हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनके सब्सक्राइबर उतने तेज़ी से नहीं बढ़ते जितना वो चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी होती है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो यूट्यूब ये यहाँ पे है। उसके बाद देखिए, अब अर्निंग की बात करते हैं। देखिए, यूट्यूब में जो लगभग पैसा मिलता है आपको, 5 से 6 हज़ार व्यूज़ आपके आते हैं, तभी जाके आपके लगभग $2 से $2.5 आपके यहाँ पे बन जाते हैं। ओके दोस्तों, अब ब्लॉगिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ब्लॉगिंग में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपको एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब ज़्यादा जो है पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, देखिए आप अपने ब्लॉग पोस्ट यदि शेयर करते हैं सोशल मीडिया के से सोशल मीडिया पे, तो उससे जो ट्रैफिक आता है उसका जो रेट होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होती है, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो देखिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक यदि आपकी वेबसाइट पे आती है या फिर ब्लॉग पे आती है, तो वहाँ पे आपको लगभग 0.05 से 0.09 तक का जो है पैसा यहाँ पे आपको मिल जाता है, $0.09 की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक जो आती है ना ट्रैफिक, वो काफ़ी कमाल की यहाँ पर रेवेन्यू आपको दे देती है। और यदि आपका ट्रैफिक आता है यूनाइटेड स्टेट वगैरह से, तो फिर तो इस रेट जो है इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, आधे आधे डॉलर तक यहाँ पे जो है आपको जो डॉलर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, ब्लॉगिंग काफ़ी अच्छी है यदि आपका ब्लॉग काफ़ी अच्छी ट्रैफिक लाता है, तो ये फ़ायदा आपका यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए, ब्लॉग बनाना यहाँ पे देखिए पेड होता है। यहाँ पे आप ब्लॉगर पे होस्टिंग फ्री में ले सकते हैं, लेकिन आपको डोमेन तो यहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा। डोमेन क्या होता है, आपका वेबसाइट का URL होता है। डोमेन लगभग .com यदि आप लेते हो, तो आपको 700-800 में मिल जाएगा टैक्स पकड़ के गोडेडी से। और जो सेल्स आती रहती है उसमें आपको काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाता है 1 साल के लिए। उसके बाद आपको जो रेगुलर रेट होते हैं वो पे करना पड़ता है। तो देखिए, ये चीज़ें होती है, डोमेन आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। होस्टिंग आप यदि फ्री में होस्ट करना चाहते हो, ब्लॉगर पे होस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन ब्लॉगर पे कुछ लिमिटेशंस होती है, ज़्यादा कुछ कस्टमाइज़ आप उसे नहीं कर पाते हो। वर्डप्रेस पे आप जाते हो तो आपको एक होस्टिंग ख़रीदना पड़ेगा, और 1 साल के लिए आप चीप से चीप होस्टिंग की बात करोगे तो आपको 1500 से 2000 में वो मिल जाएगी। तो आपको लगभग 3000 का खर्चा यहाँ पे आ जाता है 1 साल का, यदि आप वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन इसमें जो अर्निंग होती है एडसन से, वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। तो यही डिफरेंस है ब्लॉगिंग और
यूट्यूब में। अब देखिए ब्लॉगिंग का ऐसा नहीं कि आप एक ही एड नेटवर्क से यहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एड नेटवर्क है। यदि आपका ब्लॉग सच में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो आपके पास दो या तीन चार पाँच जितने चाहो उतने आपके पास एड नेटवर्क है, काफ़ी कमाल की अर्निंग वो आपको यहाँ पे करके देंगे। और ऐसा नहीं है आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। स्पॉन्सरशिप यानी कि किसी प्रोडक्ट, यानी कि आपके ब्लॉग का डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, पेज अथॉरिटी अच्छा है, आपका स्पैम स्कोर कम है, तो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो बैकलिंक के लिए आपको स्पॉन्सर करते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो आपको कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए आपके ब्लॉग पे बोलेंगे, तो उसके लिए वो पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल है। उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग आप करना चाहते हैं, यदि आपके पास अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट है और अप्रूव है, तो आप डेफिनेटली जो एफिलिएट से भी इनकम यहाँ पे कर सकते हैं। और एफिलिएट की इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो भी एड नेटवर्क होते हैं उससे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप किसी का प्रोडक्ट बेच के दे रहे हो, यानी कि अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी का बेच के दे रहे हो, आपको 4 से 12% का कमीशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो डेफिनेटली काफ़ी प्रॉफिट आपको होने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, मैं बार बार अपने सब्सक्राइबर्स को बताते रहता हूँ, जो पैसिव इनकम आप जनरेट करना चाहते हो वो एक दिन का काम यहाँ पे नहीं है, आपको सालों लग जाएंगे या फिर कम से कम 1 या 2 साल तो लग ही जाएंगे। देखिए कोई एक ब्रांड बनाना काफ़ी आसान चीज़ नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होती है, कंसिस्टेंटली अपने ब्लॉग पे वर्क करना होता है, तब जाके जैसे जैसे आपका ब्लॉग पुराना होता जाएगा वैसे वैसे आपके पेज की अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी बढ़ते जाएगी। साथ ही साथ आपको फोकस करना है ऑर्गेनिक कीवर्ड पे आप ब्लॉग लिखे सबसे पहले, तो क्योंकि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट रिकरिंग इनकम होता है वो गूगल एडसेंस ही होता है, क्योंकि वो क्या है हर मंथली आपको पे करता है, लेकिन बशर्ते $100 होना चाहिए एक उसका कंडीशन है, लेकिन फिर भी आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक अच्छी है तो $100 कंप्लीट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए सबसे मेन चीज़ है ट्रैफिक। ट्रैफिक यदि आपके ब्लॉग पे है तो फिर तो आपके पैसे कमाने के जो वेज है काफ़ी खुल जाते हैं, तो सबसे मेन है ट्रैफिक। मैं आपको हमेशा बताना चाहूँगा कि आप फोकस कीजिए ट्रैफिक लाने के लिए, अपने ब्रांड को अच्छा बनाने के लिए, और अच्छे से अच्छी अपनी डोमेन की रैंकिंग बढ़ाना, यानी कि जो अच्छे से अच्छे अपने वेबसाइट की या फिर ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।